हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस वेल क्वेश्चन। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने दांतों को बिल्कुल साफ कैसे कर सकते हो और बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने दांतों से पीलापन कैसे हटा सकते हो वो बताऊंगी। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी ना उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो अगर आपके चेहरे में इस तरीके से आप देख सकते हो, चेहरे पर हमारे दांत ज़्यादा दिखते हैं, आपको पता होगा, आप कभी भी स्माइल करते हो या कुछ भी करते हो तो फर्स्ट इंप्रेशन यानी लास्ट इंप्रेशन होता है। तो अगर आपके दांत खराब है तो बहुत ही ज़्यादा खराब लगता है और अच्छा भी नहीं लगता, अवेयरनेस का सामना आपको करना पड़ता होगा। तो इस रेमेडी को आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही इंस्टेंट वे में आप अपने जो दांत है ना, पीले दांत हैं या आपके अगर दांतों में काई लग रही हो, दांत खराब हो रहे हो, दांतों में अच्छे से शाइनिंग नहीं आ रही है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये रेमेडी आपके लिए ही है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले कटोरी ले लेनी है, इसमें मैं जो भी चीज़ें डालूंगी ना आपके घर में आसान तरीके से मिल जाएंगी। तो आपको इस रेमेडी को हफ्ते में दो बार ट्राई करना है, दांतों में आप देखिएगा कितनी चमक और कितनी ताजगी आ जाएगी। अगर आपके चेहरे से अगर आप कभी भी स्माइल करते हो तो अगर आप स्माइल भी करोगे ना तो आपके दांत बिल्कुल वाइट ही दिखेंगे, मोती की जैसे। तो इस तरीके से आपको ट्राई कर लेना है इस रेमेडी को। तो सबसे पहले मैंने हल्दी ले लिया। तो हल्दी, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हल्दी आप अप्लाई करोगे तो दांत तो येलो हो जाएंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप दांतों में हल्दी को यूज़ करते हो ना तो जितनी भी गंदगी होती है ना, कालापन होता है, पीलापन होता है, वो बिल्कुल निकाल देती है हल्दी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको हल्दी ले लेनी है पिंच भर के लगभग। और अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट। सॉल्ट आपको नमक को अपने स्वाद अनुसार डालना है, मतलब आप बिल्कुल कम भी डाल सकते हो। मैं इस टाइम जितना मैंने हल्दी ली उतना ही मैंने नमक इसमें लेना है। तो अब इसमें नमक ऐड करेंगे। तो ये मैंने चुटकी भरी नमक लिया, आप ये देख सकते हो। नमक से आपकी गंदगी निकलेगी, साथ साथ में दांतों में अगर आपके कीड़े वीड़े लगने की प्रॉब्लम है, अगर दांत में आपके दांत बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं तो आप इसको नमक लोगे तो बहुत ही आसान तरीके से जितने भी कीड़ों की प्रॉब्लम है वो खत्म होगी। अगर आपके कीड़े लग रहे हैं या आपके दांत खराब हो रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी खत्म होगी। और ये मैंने अब इसमें लेमन डाल दिया, नींबू डाल दिया है। तो नींबू तो आपके दांतों को वैसे ही बहुत अच्छी तरीके से वाइट और चमकाता है, वाइट करता है और चमकाता है। तो इस तरीके से आपको ना, इस तरीके से अब इसमें मैंने नींबू डाल दिया था। उसके बाद आपको इस तरीके से कोई भी, अगर आपके पास कोलगेट अवेलेबल है तो आप ले सकते हो। मेरे पास अभी क्लोजअप थी तो मैंने यही वाले ले लिए। तो आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं ले रही हूँ वही आपको लेना है, नहीं, आप जो नॉर्मली यूज़ करते हो ना डेली घर पर वो वाली भी आप ले सकते हो। और अब इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके दांतों को वाइट बनाता है, साथ साथ में आपके दांतों को चमकाता है मोती की जैसे, आपके दांत बहुत ही अच्छी तरीके से शाइनिंग करवाएगा इस तरीके से बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा भी आपको ले लेना है, इसमें डाल देना है और इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डालेंगे ताकि अगर आपके मुँह से स्मेल आती हो वो स्मेल की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो इसमें मैंने रोज़ वाटर भी ऐड कर दिया, आप ये देख सकते हो। आपको ये सभी चीज़ें एक बार डाल देनी है और फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है। तो अब इसको मैं मिक्स करूँगी। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी डाली हैं, आपको पता होगा, लेमन और इस तरीके से बेकिंग सोडा, तो ये रिएक्ट ज़रूर करेंगे और इस तरीके से आपका जो बैटर है ना वो डबल साइज़ में हो जाएगा, कंसिस्टेंसी इसकी डबल हो जाएगी। रेड कलर इसलिए हुआ है, अगर आप नॉर्मली वाइट वाली क्लोजअप भी लेते हो, कोलगेट लेते हो, तो वो वाइट कलर की ट्रांसफ़र हो जाएगा फॉर्म में। और अगर आप नॉर्मली कोई भी देसी वाली लेते हो ना कोलगेट, तो आपका ये इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा, जैसा आपका कलर होगा ना कोलगेट का, वैसे आपका इस तरीके से इसका पेस्ट का कलर हो जाने वाला है। तो मैंने रेड क्लोजअप ली थी तो मेरे पास इस तरीके से कलर आ चुका, आप ये देख सकते हो। तो अगर आपने इसको ट्राई किया ना तो मैं सही बता रही हूँ, आपके चेहरे से बहुत ही ज़्यादा अच्छे, आप अगर स्माइल भी करोगे तो चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, आपके दांत बिल्कुल चमक जाएंगे, मुँह में जितनी भी गंदगी स्मेल होगी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपको ना इसको हफ्ते में दो बार ट्राई करना है। दो बार अगर आप ट्राई करोगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी जितनी भी गंदगी होगी ना दांतों की वो निकल जाएगी। अगर आपके दांतों में काई जम रही है तो वो प्रॉब्लम भी आपकी हटने वाली है। और इस रेमेडी को एक कोई यूज़ नहीं करना है, एक पर्सन को यूज़ नहीं करना है, इसको चार से पांच लोग लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो मैंने तो पूरी फैमिली के लिए बना ली थी इस तरीके से ये रेमेडी, कि हफ्ते में ना दो बार ही लेने चाहिए, बार जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आप ये दांतों को साफ करो अपने। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स मैंने कर लिया, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये कोलगेट बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको कर सकते हो और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार के अटैम्प्ट में, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके दांत बिल्कुल वाइट हो जाएंगे, मोती के जैसे चमकेंगे। और जब आप स्माइल करोगे ना तो आपकी स्माइल तो अच्छी लगेगी, साथ साथ में दांतें बिल्कुल चमकते दिखेंगे। जिस तरीके की भी आपके दांत की शेप है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, बट वो बिल्कुल वाइट होनी चाहिए ना, तभी आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छा लगता है और मज़ा आता है। तो इस तरीके से अगर आपके पीले दांत रहे हैं तो आपके दो अटैम्प्ट में आपके बिल्कुल वाइट दांत होंगे। पहले अटैम्प्ट में आपको रिजल्ट इतने अच्छे देखने को मिलेंगे ना कि आप इसको खुद भी बहुत बार ट्राई करोगे। नॉर्मली आपको केयर भी करनी चाहिए अपने दांतों की, मतलब आप जब भी खाना खाओ ना, मतलब शाम को आप डिनर कर रहे हो उसके आपको बाद में करना चाहिए, रात को करना चाहिए ब्रश और एक बार सुबह करनी चाहिए। नॉर्मली अगर आप करते हो तो नीम की दातुन आपको करनी चाहिए, उससे भी बहुत ही अच्छे दांत रहते हैं। अगर आपको दांतों की
प्रॉब्लम है और स्मेल आती है मुंह से, तो आपको इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है। काई भी बिल्कुल हट जाने वाली है इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।